हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। मैं आ गया हूँ वीडियो लेके माउस एक्सेलरेशन पे, माउस एक्यूरेसी पे। कैसे आप अपनी माउस की एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो और कैसे आप अच्छे से हेडशॉट मार सकते हो, गेमिंग माउस हो या फिर नॉन गेमिंग माउस हो, फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो में आपको सबके टिप्स मिल जाएंगे। कुछ विंडोज की सीक्रेट सेटिंग है जिससे आपकी माउस और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगी। अगर आपके पास गेमिंग माउस है तो बहुत ही अच्छा, तो और ज्यादा एक्यूरेट हेडशॉट लेंगे। और अगर आपके पास नॉन गेमिंग माउस है तो और ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है इन सेटिंग से। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किया पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको माउस एक्सेलरेशन ऑफ करना है विंडोज का, जो डिफॉल्ट में ऑन होता है तो आपके हेडशॉट वैसे भी नहीं लगेंगे। तो सबसे पहले वो सेटिंग ऑफ करते हैं और देख लेते हैं कैसे ऑफ करते हैं वो सेटिंग। सबसे पहले जाना है सर्च बार में, वहां पे सर्च करना है माउस सेटिंग और वहां पे जाके करना है एडिशनल माउस ऑप्शन में। उसके बाद एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें जाना है पॉइंटर ऑप्शन में और पॉइंटर ऑप्शन के जाने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है सिलेक्ट अ पॉइंटर स्पीड और उसके नीचे जहाँ पे ये लिखा हुआ है एनहेंस माउस पॉइंटर उसको अनटिक कर देना है। टिक होगा तो उसको अनटिक कर देना है, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट टिप की बात, जो कि सारे बंदों को ऑलमोस्ट पता होगा, फिर भी मैंने एक बार बता दिया है। अभी सेकंड टिप की बात करते हैं जो कम बंदों को पता है, वो भी विंडोज की एक सेटिंग ही है। तो चलो वो सेटिंग करके देखते हैं कितना फर्क पड़ता है। इस बार वापस से आपको सर्च में जाना है और इस बार लिखना है कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद जाना है ईज और एक्सेस में और वहां पे जाने के बाद चेंज हाउ योर माउस वर्क्स पे क्लिक करना है और उसके बाद क्लिक करना है सेटअप माउस कीज के ऊपर। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे पॉइंटर स्पीड में, जो कि है टॉप स्पीड और दूसरा है एक्सेलरेशन। टॉप स्पीड को आपको एकदम लेफ्ट पे ले जाना है, मतलब एकदम लो पे रखना है, और एक्सेलरेशन की बात करें तो आपको एकदम मिडल पे रखना है, ठीक है। तो दोनों को एकदम सेट करके यहाँ पे अप्लाई और ओके कर देना है। तो ये थी हमारी सेकंड सेटिंग और ये दो सेटिंग करने के बाद आपके माउस का एक्सेलरेशन बहुत ही कम हो गया होगा। तो एक बार आप गेम में जाना और इसके बाद एक बार चेक करके देखना कितना डिफरेंस आया है। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि और परफेक्ट माउस होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए, तो इसके बाद एक सॉफ्टवेयर है जिसके मदद से आप एकदम एक्यूरेट माउस को बना सकते हो। वो सॉफ्टवेयर मैं आपको देने वाला हूँ अभी और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। और इंस्टॉल कैसे करना है, क्या वर्क करता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं वो कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है, वहाँ से जाके आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। ये जिप फाइल है, ठीक है। तो आपको पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, उसके बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है जिप फाइल को, और जो जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ वो ध्यान से देखना, ठीक है। वरना फिर आप बोलोगे मेरा ये हो गया, मेरे पीसी में ये गड़बड़ हो गई। तो मैं पूरा वीडियो दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो, पूरा वीडियो देखो तो आपको पता चलेगा और आपके पीसी में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स आ जाएगी, पर आपको इसका कोई काम नहीं है, आपको सिर्फ एक ही फाइल इंस्टॉल करनी है। आपका जो विंडोज़ का वर्जन है वहाँ पे उसका फोल्डर पे क्लिक करना है, 7 हो या 8 हो या 10 हो, मोस्टली सबके 10 ही होंगे। तो विंडोज़ 10 के फोल्डर पे जाना है और यहाँ पे भी बहुत सारी फाइलें, पर आपको आपके विंडोज़ के अकॉर्डिंग ही फाइल इंस्टॉल करनी है। अगर कोई दूसरी फाइल इंस्टॉल कर दी तो फिर आपके विंडोज़ में प्रॉब्लम हो सकता है। फिर मेरे को आके मत बोलना कमेंट में कि मेरा ये हो गया वो हो गया। तो आप ध्यान से देखो मैं कौन सी फाइल इंस्टॉल कर रहा हूँ और कैसे इंस्टॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारी रजिस्ट्री फाइल है, पर आपको इंस्टॉल करनी है आपकी डिस्प्ले स्केल वाली। यहाँ पे अलग अलग फाइलें 100%, 125%, 150%, ठीक है। तो आपको जाना है आपकी डिस्प्ले सेटिंग के ऊपर और यहाँ पे एक परसेंटेज लिखा होगा, देखो यहाँ पे मेरा 100% लिखा हुआ है। तो मुझे इंस्टॉल करनी है 100% वाली फाइल। अगर आप में लिखा हो 125, 150, तो आपको वो वाली इंस्टॉल करनी है। मेरे में 100 लिखा है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा वापस से और 100 वाली इंस्टॉल करूँगा। ध्यान से इंस्टॉल करना, ठीक है, जो है वही करना। और यहाँ पे मैंने तो पहले इंस्टॉल कर रखी है, तो मैं नो दबाऊंगा। आप यहाँ पे यस क्लिक करके इंस्टॉल कर देना, और कोई परमिशन मांगे तो वो भी करके इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। तो हमने फाइल तो इंस्टॉल कर ली है, तो अभी आप सोच रहे होंगे इस फाइल से होता क्या है। तो ये कोई हैक वैक स्क्रिप्ट वेक कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब गेम में वर्क करती है, ऐसा नहीं है फ्री फायर में वर्क करती है। ये ओवरऑल विंडोज़ की जो माउस एक्सेलरेशन होता है और कुछ भी माउस का जिटर होता है वो सब एलिमिनेट कर देता है और एकदम परफेक्ट माउस बना देता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि फ्री फायर की फाइल है। सारे पीसी गेमर जो दूसरी गेम भी खेलते हैं, सीएस गो, वैलोरेंट सब खेलते हैं, उस सब में ये फाइल यूज़ करते हैं और ये बहुत अच्छी फाइल है। तो हैक वैक नहीं है, तो आराम से इंस्टॉल कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो फाइनली हमने विंडोज़ की सारी सेटिंग कर ली है। अभी जाते हैं गेम में और गेम में देखते हैं क्या डिफरेंस है और गेम में क्या क्या सेटिंग करनी है आपको, उससे आपकी ज़्यादा एक्यूरेसी हो जाएगी और ज़्यादा माउस एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। तो सारी प्रीवियस विंडो सेटिंग करने के बाद आपको आना है गेम में और गेम में जाना है इम्यूलेटर सेटिंग के ऊपर। इम्यूलेटर की सेटिंग खोलने के बाद यहाँ पे जाना है आपको एक्स एंड वाई पे, और एक्स एंड वाई की दोनों की वैल्यू 1-1 कर देनी है, मतलब डिफॉल्ट कर देनी है 1 और 1 दोनों, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपके माउस में से एक्सेलरेशन चला गया है कि नहीं चला गया। उसके बाद आपको शॉट्स मारने और देखने हैं कि कितने एक्यूरेट शॉट लग रहे हैं, हेड शॉट लग रहे हैं, बॉडी शॉट लग रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे आपको आपकी सेंसिटिविटी बढ़ानी है। मेरी आप देख सकते हो
भाई बॉडी शॉडी लग रहा है, बहुत मेरे को ड्रैग करना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है मेरे को ऊपर ड्रैग करने में। मतलब जाहिर सी बात है मेरी सेंसिटिविटी बहुत ही कम है, लेकिन मेरे को ये फील हो रहा है कि मेरे माउस में एक्सेलरेशन बिल्कुल ही नहीं है। मतलब मैं जहाँ पे एम कर रहा हूँ वहाँ पे ही जा रहा है, अगर बॉडी पे तो बॉडी पे ही स्टक हो रहा है, अगर एम हेड पे जाता है तो फिर एम पे हेड पे ही स्टक होता है। अब जाना आपको सेटिंग में, और सेटिंग में आ जाके आपको वाइड सेंसिटिविटी बढ़ानी है, मतलब 1 है तो 2 करनी है, फिर 3 करनी है, 4 करनी है, और आपको ऐसे ही टेस्ट करना है कि कौन सी सेंसिटिविटी मेरी एकदम अच्छे हेडशॉट लग रहा है। अगर आपके पास गेमिंग माउस है तो प्रोबेबली आपकी सेटिंग बहुत ही कम होगी, मतलब वाई आप 2-3 रखोगे उसमें आपके हेडशॉट अच्छे से लग जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास गेमिंग माउस नहीं है, अच्छा माउस नहीं है, तो आप ज्यादा सेंसिटिविटी रख सकते हो, जैसे 4-5-6 भी हो गया, वहां तक रख सकते हो तो आपके हेडशॉट लगेंगे, क्योंकि आपको ड्रैग ज्यादा नहीं करना पड़ेगा अगर यहाँ पे वाई आप ज्यादा रख लोगे। लेकिन इतनी हाई सेंसिटिविटी का ड्रॉबैक भी है, आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, वरना तो आपकी गोली सर के ऊपर से चली जाएगी। ठीक है, जितनी आप हाई सेंसिटिविटी रखोगे उतना आपको ड्रैग कम करना पड़ेगा, पर उतनी ही मुश्किल होगी आपको ठीक से एम करने में। ठीक है, अगर बहुत बंदा दूर होगा, बहुत छोटा बंदा दिख रहा है तो आपको हेड मार ही नहीं पाओगे। बहुत ही एक्यूरेट एम होना चाहिए आपको उसके लिए, तो आप इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे हेड मार सकते हो। तो ये हो गई इन गेम सेटिंग की बात, और लास्ट बात करें तो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। 4th tip है प्रैक्टिस। सिर्फ प्रैक्टिस ही आपको सबसे प्रो बना सकती है, सबसे अच्छा एम ला सकती है। कोई भी माउस खरीद लो दुनिया का, 5000 वाला 10000 वाला माउस भी खरीद लो, बट आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, आपको पता ही नहीं होगा कितना ड्रैग करना है, कैसे ड्रैग करना है, कब ड्रैग करते तो हेडशॉट लगता है, कब नहीं लगता है, वो सब अगर आपको चीज़ें नहीं पता होगी तो आप कितना ही माउस ले लो अच्छा वाला, आपका हेडशॉट नहीं लगेंगे। और अगर आपको आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है, एम इंप्रूव करना है ना, तो मैं आपको एक छोटी सी बोनस टिप देता हूँ। आप ओम यूज़ करो, वो भी लॉन्ग रेंज में, ठीक है, शॉर्ट रेंज में नहीं, जो बॉडी शॉट मारते हैं वो नहीं। स्विच करना मत सीखो, उस पर एम करना सीखो, उससे हेडशॉट मारना सीखो। अगर ओम से आप हेडशॉट मार सकते हो ना, तो मतलब आप किसी और गन से आराम से हेडशॉट मार लोगे, क्योंकि ओम में डिफॉल्ट एम वर्क नहीं करता। अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ, वहाँ पे आपको एक प्लेयर की अच्छी एक्यूरेसी पता चलती है कि वो बंदा कितना एक्यूरेट है। अगर वो बंदा हेडशॉट मार रहा है, वो भी ओम से, वो भी लॉन्ग रेंज पे, मतलब समझ लो भाई वो किसी और गन से आराम से हेडशॉट मार लेगा। तो ये थी यहाँ पे बोनस टिप, और यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। तो ये थी यहाँ पे बोनस टिप, अगर आपको फॉलो करनी तो कर सकते हो। और जो जो बंदे मेरे को पूछते मेरे को इतनी ज़्यादा FPS कैसे मिलती है, 200 के ऊपर FPS मेरे कैसे आते हैं, तो उसके लिए भी छोटी छोटी सेटिंग्स है जो मैंने की हुई है, विंडोज़ में की हुई है, इम्यूलेटर पे की हुई है। तो अगर उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो इस पे एम रखते हैं 2000 लाइक्स के ऊपर। अगर इस पे 2000 लाइक्स आते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा FPS के ऊपर, कि आपको भी ज़्यादा FPS कैसे मिल सकती है 200 के ऊपर जैसे मेरे को मिलती है। और अगर आपको FPS वाली वीडियो जल्द ही चाहिए तो जल्द ही 2000 लाइक वाला टारगेट कंप्लीट कर देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा 2-3 दिन में ही बना के। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।